नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया। चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। यू हैव ब्रेन्स इन योर हेड, यू हैव फीट इन योर शूज, यू कैन स्टीयर योर सेल्फ एनी डायरेक्शन यू चूज। तो बड़ी सिंपल सी बात कही गई है कि दिमाग है, तो पैर है, तो जहां जाना है, जिस तरीके से आप आगे बढ़ना चाह रहे तो आप जा सकते हो। तो ये यहाँ पर सिंपल सी बात यहाँ पर समझाएगी। तो यहाँ पर ना आजाद मन, आजाद मतलब सोच, इसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। तो अगर अच्छे आइडियाज आपके पास हैं तो मतलब आपको कोई रोक नहीं रहा है कि आप जो है उसको अप्रोच ना लगाएं, आप आगे ना बढ़े। तो उन आइडियाज के ऊपर फोकस करो, उनको पॉलिश करो। जो टैलेंट आपके पास है तो उस टैलेंट को पॉलिश करो। तो पॉलिश करना बहुत जरूरी होता है, बिना पॉलिश के भी टैलेंट को जंग लग जाता है। तो पॉलिश करेंगे उसके बारे में, टैलेंट में जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा, उतना ही जो है ना निखरते जाओगे। जितना निखरते जाओगे उतना जो है क्वालिटी चीज जो है दुनिया के सामने आप जो रख पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं इसका। तो ये है आज का एडिटोरियल का पेज। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आज चार एडिटोरियल्स हैं। तो अभी पहले यहाँ पर बात की जा रही है कि वैक्सीन में यहाँ पर स्पेंड करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरी यहाँ पर बात करें कि कैश फ्लो, भारत की इकोनॉमी में कैश फ्लो में राइस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। और इसको यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये ट्रांजिट, एक तरीके से ट्रांजिट सिस्टम है, सिम्टम है। मतलब कि क्षणिक है या फिर कह सकते हैं अस्थायी रूप से है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं डिटेल में। और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि इंडिया नीड्स टू गेट गवर्निंग। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रूमर फैलाए हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके डर के चलते लोग वैक्सीन लगवाने नहीं जा रहे, तो उसके रिगार्डिंग सोल्यूशन बताए हैं ऑथर ने, उन सोल्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे। ये लास्ट वाला आर्टिकल है, यहाँ पर बात की गई है व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया, तो इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। क्योंकि ये जो पॉलिसी अब जो नई आई है ना, ये 15 मई को लागू होगी। तो 15 मई कल है, तो इसको भी डिटेल में पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज जो है ये न्यूज़पेपर लेट आया, जिसकी वजह से जो है इसकी दूसरे नंबर पर जो है पब्लिशिंग हो रही है। पहले जो है वो हिंदू एडिटोरियल आएगा। तो आप भी मुझे बता देना कि पहले कौन सा चाहिए, पहले ये वाला चाहिए द इकोनॉमिक टाइम्स या पहले द हिंदू चाहिए। तो उस हिसाब से हम जो है चेंज कर देंगे, और फिर मैं उसके हिसाब से टाइमिंग भी जो है आपको श्योर कर दूंगा कि कौन से टाइमिंग में जो है कौन से वाला एडिटोरियल आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 1 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं स्पेंड मनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक वैक्सीन नीडेड फॉर डोमेस्टिक जैब्स एंड एक्सपोर्ट। दोनों के लिए यहाँ पर चाहिए वैक्सीन, एक्सपोर्ट भी करना है और डोमेस्टिक। यहाँ पर डिमांड भी काफी ज्यादा भी अभी बढ़नी शुरू हो चुकी है, तो राज्य सरकारें जो उनको वैक्सीन चाहिए, तो सप्लाई की यहाँ पर शॉर्टेज आ रही है। तभी बात कर रहे हैं कि इंडिया को यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर अपनी सप्लाई को स्टेपअप करना होगा, बढ़ाना होगा, उसकी यहाँ पर जरूरत है। तो अभी के लिए यहाँ पर जो लेवल है वो 7.3 करोड़ डोजेस का है पर मंथ के हिसाब से। तो अभी उसको 30 करोड़ तक लेकर जाना होगा, अगर हम चाह रहे हैं कि जितनी भी हमारी एंटायर एडल्ट पॉपुलेशन है वो रफली जो कि 95 करोड़ के आसपास है, जिनको कि हम सर्दियों तक जो है हम यहाँ पर इंक्लूड कर दें, इनका टीकाकरण कर दिया जाए। और यहाँ पर बात करके एक्सक्लूडिंग अगर हम द ऑलरेडी वैक्सीनेटेड, जो पहले से ही वैक्सीनेट हो चुके हैं, तो अगर उनको यहाँ पर हम एक्सक्लूड कर देते हैं, ओके, तो यहाँ पर अगर हमने 75 करोड़ लोगों को अगर वैक्सीनेट करना है, वो भी 2 डोजेस देकर, तो गवर्नमेंट को यहाँ पर 150 करोड़ डोजेज जो है ना ये प्रोक्योर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर 250 रुपये पर डोज की अगर लागत के हिसाब से यहाँ पर पैसे दिए जाए, हालांकि अभी जो जो चार्जेस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पे कर रही है पर डोज के हिसाब से, वो 150 रुपीज है। तो अगर 250 रुपये होता है तो यहाँ पर जो वैक्सीन मेकर्स हैं इनके पास लिटिल सरप्लस आ सकता है, थोड़ा पैसा आ सकता है, जिसके चलते वो री इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी जो कैपेसिटी है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। मतलब अगर एक एक और प्लांट अगर लगाना चाहे तो थोड़ा थोड़ा अगर पैसा ज्यादा आता तो उसको लगा सकते हैं, वैक्सीन की सप्लाई और बढ़ सकती है। तो इससे यहाँ पर जो कुल खर्चा जो है वो 37,500 करोड़ के आसपास हो जाएगा। अभी के लिए भारत सरकार जो यहाँ पर पैसे लगाकर चल रही है वो 35,000 करोड़ का बजट है, बजट में जो अनाउंसमेंट की गई थी 1 फरवरी 2021 को। तो इसके अलावा बात करें कि जो सबसे स्मार्ट थिंग यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो पैसा है वो वैक्सीन मेकर्स को आप प्रोवाइड कीजिए, ताँ जो कि वो उस पैसे को यूज कर सकें और कैपेसिटी अपनी को जो है ना बढ़ा सकें, एक्सपेंड कर सकें आने वाले कुछ कपल ऑफ मंथ्स में, और प्रोडक्शन को जो है बढ़ा सकें। तो अभी सीधे सीधे बात करें कि उनकी पेमेंट आप उनको पहले एडवांस पेमेंट आप कर दीजिए। और आगे बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि वैक्सीन सप्लाई जो है वो अभी अगस्त महीने महीने से जो है मतलब तेजी से रफ्तार पकड़ेगी, जल्दी से मतलब वैक्सीन सप्लाई आनी शुरू हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर अपफ्रंट पेमेंट्स कर देते हैं तो यहाँ पर क्या है कि सप्लाई जो है ना मटेरियलाइज हो जाएगी,
जो भी इनको रॉ मटेरियल जो भी चीजें उनको चाहिए एक प्लांट सेटअप करने के लिए, सब चीजें चीजों की शुरुआत वो अभी से कर सकते हैं। और यहाँ पर जो अनसर्टेनिटीज है, मतलब कि जो ये वैक्सीन मेकर्स है, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, भारत बायोटेक, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी वो फॉलो कर रहे हैं अगर मार्केट से पैसा उठाने में, तो यहाँ पर अगर भारत सरकार पहले से ही अपफ्रंट पेमेंट कर देती है तो उनको जरूरत नहीं है फिर यहाँ पर मार्केट से पैसा उठाने की, तो फिर उसी पैसे को यूज करके वैक्सीन प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ओके, तो आगे यहाँ पर बात करें, नॉर इज वैक्सीनेटिंग द डोमेस्टिक पॉपुलेशन इंडिया सोल गोल इन द मैटर ऑफ वैक्सीन। ओके, तो यहाँ पर बात करें कि अगर डोमेस्टिक आम हमारे जो आम घर के लोग हैं अगर उनको हमने वैक्सीनेट करना है, तो यही यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सोल गोल नहीं है हमारा। अगर हम वैक्सीन की बात करें तो यहाँ पर एक्सपोर्ट कमिटमेंट्स भी हमारे सामने हैं, तो इंडियन कंपनीज यहाँ पर एक्सपोर्ट कमिटमेंट के हिसाब से भी काम कर रही है। अगर मैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करूँ तो अभी परसों की बात है कि अदर पुणे वाला जो सीईओ है SII के, उन्होंने यहाँ पर रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि 50 लाख यहाँ पर कोविशील्ड की डोजेस को एक्सपोर्ट करना है यूके में, तो उसके लिए मना कर दिया भारत सरकार ने। ओके, तो क्यों यहाँ पर उसको एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि जो फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है एस्ट्राजेनेका, वो यहाँ पर यूके के द्वारा ही दिया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, जो कोविशील्ड की वैक्सीन बना रहे हैं। एस्ट्राजेनेका नाम है इस फॉर्मूले का, और एस्ट्राजेनेका नाम से वैक्सीन यहाँ पर बनाई जा रही है यूके के द्वारा भी। ओके, तो वो बहुत कम यहाँ पर सप्लाई है, लेकिन ज्यादा सप्लाई भारत ही दे सकता है, तभी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ, तो जिसके चलते कि कमिटमेंट है कि एक्सपोर्ट करना है, लेकिन अभी पाबंदी लगाई हुई है। ओके, तो एक्सपोर्ट के ऊपर भी हमें फोकस करना है, ऑथर का यहाँ पर ये कहना है, और जो उनके ऑर्डर्स है उनको फुलफिल करना है, ये भी यहाँ पर सही एक डायरेक्शन है, क्योंकि वहां से भी इनकम आएगी। और आगे बात कर रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि वैक्सीन आउटपुट जो है ना डोमेस्टिक डिमांड से बाहर जाकर, मतलब कि उससे ज्यादा हमें जो है डेवलप करनी होगी। अगर यहाँ पर 150 करोड़ डोजेस की बात करें, तो मतलब इससे ज्यादा डोजेस का निर्माण हमें करना होगा, तो इंडिया को यहाँ पर चाहिए कि कंट्रीब्यूट करे टू मीटिंग द ग्लोबल डिमांड फॉर वैक्सीन एंड नॉट लैग बिहाइंड द चाइना इन दिस डिपार्टमेंट। अभी क्या है कि चाइना की भी सिनोफार्म नाम की वैक्सीन है, तो अभी पहले भारत यहाँ पर पूरी सपोर्ट कर रहा था बाकी देशों को कि वैक्सीन उसने वैक्सीन प्रोवाइड की, लेकिन अभी यहाँ पर शॉर्टेज होगी यहाँ पर, तो पहले इंडिया को यहाँ पर वैक्सीनेट करना है, तो अभी बाहर कैसे एक्सपोर्ट करें, तो उसकी जगह पर चाइना जगह बनाना शुरू कर दिया है। तो मतलब कि जो वेलफेयर का काम, जो यहाँ पर सपोर्ट इंडिया प्रोवाइड कर रहा था, अभी चाइना आगे आ गया, क्योंकि चाइना की जो सिनोफार्म वैक्सीन उसको भी WHO की अप्रूवल मिल चुकी। ओके, तो ऑथर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें ग्लोबल डिमांड के हिसाब से काम करना है, हमें चाइना के पीछे नहीं रहना है। ओके, चाइना को पूरी टक्कर देनी है, तो यहाँ पर आउटपुट हमें बनानी होगी, मतलब यही निकलता है। तो यहाँ पर आखिर में बात करें कि अगर इंक्रीज सप्लाई बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं द इंक्रीज सप्लाई विल बी फ्रॉम 8 डोमेस्टिकली डेवलप्ड मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन। तो यहाँ पर ये 8 अलग अलग जो वैक्सीन हैं उनको अगर हम बढ़ाते हैं, जो हमारे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वहां पर जो लगाई जा रही है, तो अभी जैसे कोविशील्ड की बात करें तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, कोवैक्सीन की बात करें भारत बायोटेक बना रहा है, स्पुतनिक 5 की बात कर रहे हैं जो कि यहाँ पर अगले हफ्ते से अवेलेबल होनी शुरू हो जाएगी इंडिया में, तो ये रशिया की वैक्सीन है। इसके अलावा जाइडस कैडिला की बात करें, ये DNA की वैक्सीन है। ओके, तो ये DNA वैक्सीन है, पूरा नाम इसका ये है, तो ये भी मतलब इसको लग रहा है कि मतलब एमरजेंसी ऑथराइजेशन जो है ओके उसके लिए जल्दी ये अप्लाई करेंगे। और इसके अलावा बात करें कि एक और प्रॉमिसिंग कैंडिडेट यहाँ पर है जो अभी जिनका ट्रायल चल रहा है, जैसे एक बायोलॉजिकल ई है और दूसरा यहाँ पर भारत बायोटेक की एक और वैक्सीन, इसका नाम है नसल वैक्सीन। तो एक तो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है, वो तो ऑलरेडी लग रही है लोगों को, लेकिन यहाँ पर एक और ट्रायल जिसका चल रहा है नसल वैक्सीन, तो उसमें हो सकता है कि कुछ चेंजेस वगैरह किए हों जो नया वेरियंट उसके हिसाब से, तो उस हिसाब से वैक्सीन तैयार की जा रही है, जिसका अभी क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। और इसके अलावा बात कर रहे हैं आखिर में कि एक तो आप फुली यहाँ पर पेमेंट कर दोगे ऑर्डर्स की, तो वो तो सही बात है, तो यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट भी कीजिए, इन्वेस्टमेंट सपोर्ट भी यहाँ पर प्रोवाइड कीजिए कंपनीज में, कि भारत सरकार ने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की। अगर कोई कंपनी मार्केट से पैसा उठाती है, मतलब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं ना उस कंपनी में, तो उसी तरीके से भारत सरकार भी करे, तो यहाँ पर ये भी बात कही जा रही है, क्योंकि US गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की हुई है वहां की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी जो यहाँ पर वैक्सीन बना रही है, लेकिन भारत की कोई सपोर्ट नहीं है। ओके, भारत सरकार सिर्फ पेमेंट कर रही है, ये यहाँ पर सिचुएशन बनी हुई है भारत के रिगार्डिंग। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 2 की, तो यहाँ पर बात करें द राइस ऑफ कैश ए ट्रांसिट सिम्टम। ओके, तो अभी अभी हुआ क्या है कि इकोनॉमी में कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इसको यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक तरीके का ये अस्थायी सिम्टम है, मतलब ये जरा देर तक नहीं रहने वाला है, अगर कैश फ्लो बढ़ा भी है भारत की इकोनॉमी में, तो अभी कहा जा रहा है कि ह्यूज इंक्रीज भारत की कैश सर्कुलेशन में देखा गया, तो अभी पैंडेमिक के चलते तो ये कोई यहाँ पर चिंता का विषय नहीं है। ओके, तो अभी सेंट्रल बैंक का जो डाटा आया, तो ये कह रहा है कि करेंसी जो सर्कुलेशन में है, तो अभी
एक डेकेडल हाई, मतलब एक दशक, मतलब सबसे ज्यादा पर हाई यहाँ पर पाई गई है एक दशक में। यहाँ पर 14.6% ऑफ द जीडीपी मतलब जो है हमारी करेंसी जो है सर्कुलेशन में। तो ये 2020-21 के अकॉर्डिंग ये बात कर रहे हैं। ओके, फिस्कल ईयर 2020-21 की ये बात हो रही है। तो अभी दूसरा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो सबसे लो थी वो थी यहाँ पर 2016-17 की बात करें, जब डीमोनिटाइजेशन हुई थी 2016 में। 2016 के आखिरी के जो महीने थे उसमें जो डीमोनिटाइजेशन हुई थी, पैसा वापस खींच लिया गया था सरकार के द्वारा। तो उस समय यहाँ पर सर्कुलेशन जो था वो 8.26% तक गिर गई थी। ओके, जब यहाँ पर नॉर्मल रूटीन भी होनी शुरू हो गई थी, जब बैंक से पैसा लोग निकलवा रहे थे, फिर भी यहाँ पर धीरे धीरे करके 8.26% तक की सर्कुलेशन थी, मतलब काफी कम हो गई। तो यहाँ पर दूसरी बात कर रहे हैं कि ये जो स्पाइक देखने को मिला है अभी के लिए 2020-21 का जो पैंडमिक गुजरा है, तो उसमें तो लॉकडाउन भी हमने फेस किया है। ओके, तो अभी ये अस्थाई है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो सेविंग बिहेवियर है लोगों में उसमें यहाँ पर कुछ शिफ्ट देखने को मिला है। ओके, तो मतलब कि ऐसा नहीं कि लोगों ने ज्यादा पैसे जो है सेव करने शुरू कर दिए। ओके, तो अक्सर यहाँ पर ऐसा होता है कि जब कोई भी इकोनॉमिक स्लोडाउन जैसी सिचुएशन आती है तो लोग पैसा जमा करना शुरू कर देते, तो लोग खर्चा करना कम कर देते हैं। और यहाँ पर जब इनकम अनसर्टेनिटी हो, मतलब कि इनकम आने के रिसोर्सेज बंद हो, तो वो भी यहाँ पर रीजन होता है कि पैसा लोग कम खर्चा करते हैं, जमा करने के ऊपर फोकस करते हैं। तो ऐसा ही सीन यहाँ पर देखा गया था जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे 2007 से लेकर 2009 तक जो चले थे। तो 2008 का ईयर यहाँ पर माना गया था कि फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए बहुत ही भयानक था। तो यूएस में ये फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हुए थे, जिसकी वजह से जो जो भी कंट्रीज जिसका अच्छा खासा ट्रेड था, खासतौर पर यूरोपियन कंट्रीज, तो उन सबकी इकोनॉमिक कोलैप्स हुई थी उस समय। ओके, तो अभी जैसे मैं बात करता हूँ ना कि यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर ट्रेजरी बॉन्ड यहाँ पर साइन होते हैं यूएस के, तो मतलब अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिल जाता, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स उसकी ओर दौड़ चलते हैं। तो यहाँ पर उस समय भी इन्वेस्टर्स ने वहां पर पैसा लगाया होता, यूएस की सरकार ने पैसा लिया हुआ था मार्केट से। तो यहाँ पर फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, यूएस की सरकार जो पैसा उठाती है, तो अच्छा खासा यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिल जाता। तो यहाँ पर दूसरी बात यह होती है कि गवर्नमेंट स्टेबल रहती है। तो जहां पर गवर्नमेंट स्टेबल हो तो वहां पर भी इकोनॉमी काफी बढ़िया तरीके से चलती है, लोग विश्वास रखते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, बैंक दिवालिया होने शुरू हो गए, तो यहाँ पर जिन्होंने लोन उठाया था वो पैसा वापस नहीं कर पाए, जिसके चलते धीरे धीरे करके पूरी इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया। फिर उसी का इम्पैक्ट बाकी की इकोनॉमी के ऊपर जो पड़ा था। तो अभी इस समय लोगों ने पैसा जमा करना शुरू कर दिया। तो अभी बात करते हैं कि अगर पैंडेमिक की बात करें तो पीपल जो है ना, लोग आम क्या करते हैं आमतौर पर, कैश को जमा रखते हैं। ओके, तो मतलब कि किसी यहाँ जो फालतू खर्चा उससे बचने के लिए, तो यहाँ पर जा तो वो क्या करते हैं, जो भी उनकी सेविंग्स होती है उनको फाइनेंशियली तरीके से यहाँ पे बैंक डिपॉजिट कर लेते हैं, या शेयर्स खरीद लेते हैं, या कंपनी डिपॉजिट कर देते हैं, म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर इस तरीके से वो जो है सेविंग करके रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो बैलेंस बचता है पैसे का, तो उसके लिए वो फिजिकल सेविंग कर लेते हैं। फिजिकल सेविंग जैसे आप रियल एस्टेट की बात कर लो, कोई घर वगैरह खरीद लिया, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, कोई यहाँ पर जमीन खरीद ली। ओके, तो फिजिकल सेविंग्स में ये सब चीजें आ जाती है। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि फिजिकल सेविंग्स हो सकता है कि यहाँ पर लेस अट्रैक्टिव हो, लेस फिजिबल हो इस पैंडेमिक ईयर में। ओके, क्योंकि आप अगर बात करो घर बनाने की, तो यहाँ पर कोई भी अभी घर बनाने के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है इस पैंडेमिक ईयर की अगर बात करें तो। और इसके अलावा बात करें, जो आरबीआई का पेपर जो जो बता रहा है, वो कह रहा है कि जो हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग है तो वो भी यहाँ पर बड़ी है। यहाँ पर 21% की बात कर रहे हैं इन Q1 2021। ओके, ये Q1 की बात कर रहे हैं, मतलब कि 2020 साल 2020 अप्रैल महीने से लेके यहाँ पर जून महीने तक, अप्रैल मई जून, तो 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो अभी उस समय की बात करें कि 21% तक फाइनेंशियल सेविंग बढ़ी थी, क्योंकि उस समय लॉकडाउन लगा था शुरुआत में। और बाद में अगर जो जीडीपी की बात करें उसी क्वार्टर की, तो वो -24% हमारी चली गई थी। तो देश के इतिहास में पहली बार था कि माइनस में वो भी 24% हमारी जीडीपी गई है। ओके, आगे यहाँ पर बात करें, फिर धीरे धीरे कुछ कंजप्शन शुरू हुई। ओके, तो बाद में यहाँ पर मॉडरेशन की तरफ बड़ा, मतलब फाइनेंशियल सेविंग जो था, अगर सेकेंड क्वार्टर की बात करें तो मतलब सेविंग थोड़ा कम होना शुरू हुई, लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट करना, पैसा खर्चा करना शुरू कर दिया। जब सेकेंड क्वार्टर का यहाँ पर समय आया, तो सेकेंड क्वार्टर में जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये 3 महीने हो गए। तो अब यहाँ पर धीरे धीरे अनलॉक करना शुरू कर दिया था इकोनॉमी को। और इसी के अलावा बात कर रहे हैं कि ब्रेकअप, इसी के चलते जब आगे फर्दर गए हम, तो यहाँ पर हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग यहाँ पर अगर बात करें द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट रोज ड्यूरिंग द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2021, तो वही जो जुलाई अगस्त सितंबर जो महीना था सेकंड क्वार्टर वाला, तो उस समय जो बैंक डिपॉजिट थी वो यहाँ पर बढ़ी, मतलब कि फाइनेंशियल सेविंग लोगों ने की लेकिन बैंक डिपॉजिट के रूप में। ओके, तो अभी जी अगर बात करें नॉन बैंकिंग, मतलब कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं जो कि फाइनेंस का काम देती हैं, तो वहां पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया उसी सेकंड क्वार्टर के दौरान। जैसे मैं अगर बात करूं
मुथूट फाइनेंस की बात करूं तो वो गोल्ड लोन प्रोवाइड करते हैं, वो एक तरीके की एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, मतलब बैंक का उसे उसके पास बैंक का स्टेटस नहीं है लेकिन फाइनेंशियली आपकी वो मदद कर सकते हैं। लेकिन लोगों ने सेकेंड क्वार्टर में वहां पर दिलचस्पी नहीं दिखाई। और इसके अलावा बात करें जो इंश्योरेंस फंड्स हैं, मतलब बहुत सारी इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज हैं, जैसे एलआईसी की बात करें तो सरकारी इंडस्ट्री है, तो वहां पर लोगों का सब्सक्रिप्शन रेट बढ़ा इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए। ओके, तो पैंडेमिक के चलते मतलब यहाँ पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया लोगों ने। और डिटो यहाँ पर बात कर रहे हैं फॉर सब्सक्रिप्शन रेट टू पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड्स, तो पेंशन फंड्स में भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग। भारत सरकार के द्वारा अलग अलग यहाँ पर जो है स्कीम चलाई गई है। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड्स की बात करें तो ये भी अलग अलग तरीके प्रोविडेंट फंड्स होते हैं जहाँ पर लोग इन्वेस्ट करते हैं और बाद में उनको पैसा मिलता है पेंशन के रूप में। उन्हीं के इन्वेस्टमेंट है जिसके ऊपर जो है महीने के हिसाब से भी रिटर्न मिल जाता है, या फिर जिस हिसाब से ये भी लेना चाहे उस हिसाब से यहाँ पर उनको पैसा मिलता है। और अगर बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो यहाँ पर जो सेविंग्स थी तो यहाँ पर ये डिक्लाइन थी, यहाँ पर लोगों ने सेकेंड क्वार्टर में कम पैसा लगाया, कम पैसा इन्वेस्ट किया। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं साइमल्टेनियसली डिजिटल पेमेंट हैव सर्ज। ओके, तो अभी देखो डिजिटल पेमेंट्स में अभी पैंडेमिक के दौरान काफी सर्ज देखने को मिला, जो नहीं भी जानता था वो भी अभी सीख रहा है कि डिजिटली पेमेंट कैसे करनी है। तो पैंडेमिक के चलते हार्ड कैश रखना वो भी थोड़ा रिस्की है। ओके, तो यहाँ पर कोरोना फैलने के चांसेस हैं। और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर कैश होल्ड करके चलते हैं, जो अपनी वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं कार की फॉर्म में, ओके, तो उसमें भी यहाँ पर ये चीज पाई गई कि पेमेंट के तौर पर इन्होंने यहाँ पर कम ही यूज किया है। ओके, अगर डिजिटल पेमेंट्स की अगर बात करें, जैसे वैक्सीनेशन बढ़ती जाएगी, जैसे रफ्तार बढ़ेगी, जैसे पैंडेमिक जो है धीमा पड़ता जाएगा, तो आज ही तो कल यहाँ पर जो है चीजें बदलती हुई नजर आएंगी, तो दोबारा नॉर्मल की सिचुएशन के ऊपर जो है हम जाना जो है शुरू कर देंगे बहुत ही जल्दी। तो यहाँ पर एक बात को समझिए, जितना भी पैसा यहाँ पर म्यूचुअल फंड में लगाया गया, या बैंक डिपॉजिट किए गए, ओके, या फिर एनबीएफसी में लगाया गया, चाहे कम लगाया गया चाहे ज्यादा लगाया गया, तो ये पैसा इन्वेस्टमेंट के रूप में आगे चला गया। ओके, तो कहीं ना कहीं पर जो है जो चीज इन्वेस्टमेंट के रूप में आगे चलेगी, जिस कंपनी के आपने शेयर खरीद ली, ओके, या फिर कंपनी डिपॉजिट आपने किया है, पैसा लगाया किसी कंपनी में, या फिर प्रोविडेंट फंड यहाँ पर उस पर इन्वेस्टमेंट की, तो ये पैसा आपका यूज होगा आगे। पैसे को आगे यहाँ पर अगर पेंशन फंड में लगाया तो यहाँ पर सरकार यूज करेगी, अगर प्रोविडेंट फंड में लगाया तो तभी सरकार यूज करेगी। ओके, तो यहाँ पर बैंक में अगर गया तो बैंक यूज करेगा। ओके, म्यूचुअल फंड में लगाया तो जो भी यहाँ पर पैसा उठाना चाह रहा है म्यूचुअल फंड से, तो वो बंदा यूज करेगा। तो मतलब ये पैसा आपका सर्कुलेशन में चला जाएगा। ओके, तो लिक्विडिटी यहाँ पर जो है बढ़नी शुरू हो जाएगी मार्केट में। तो यही यहाँ पर रीजन है कि 2020-21 में इतनी सर्कुलेशन यहाँ पर बढ़ गई। लोगों ने ज्यादातर यहाँ पर पैसा सेव करने के ऊपर फोकस किया था, जिसके चलते सर्कुलेशन बढ़ गई पैसे की। तो ये यहाँ पर रीजन बताया जा रहा है। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 3 की। यहाँ पर बात करें इंडिया नीड्स टू गेट गवर्निंग, तो यहाँ पर कुछ बातों की बात करें जो कि गांठ बांध लेनी चाहिए, जिसके बारे में भी बात करें कि जो वैक्सीन हेजिटेंसी है उसको दूर करना है। तो रूरल इंडिया की बात करें ना, तो यहाँ पर मास अवेयरनेस कंपेन्स की अभी भी जरूरत है, क्योंकि वैक्सीन हेजिटेंसी जो अभी तक नहीं जा रही यहाँ से। तो अभी इस समय के हिसाब से बात करेंगे जो स्ट्रैटेजी हमें अपनानी चाहिए ना, कि अगर वैक्सीन हेजिटेंसी को हमने टैकल करना है, जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो इसमें कह रहे हैं कि यहाँ पर इफेक्टिवली यूज करो जो ऑडियो स्टोरी टेलिंग है, मतलब जिसमें आप कहानी के रूप में बात बताओ, फॉक सॉन्ग्स गाकर जो है इसके थ्रू आप कैंपेन चलाओ, उनको बताओ भी पहले एक सॉन्ग सुना दिया, बाद में बताया कि भाई जो अवेयरनेस रखो, वैक्सीन लगवाओ, उसके बाद स्मॉल वीडियो फिल्म जो है व्हाट्सएप डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर वो चला सकते हो। और इसके अलावा नौटंकी जो परफॉर्मर्स होते हैं, जो यहाँ पर थिएटर आर्टिस्ट हो जाए, नौटंकी जो करते हैं उनको जो है काम पे लगाया जा सकता है। इसके अलावा जो पपेट आर्टिस्ट होते हैं, मजिशंस होते हैं, जो मतलब कि पपेट्स, मतलब कि जो उंगलियों ऊपर पपेट्स को नचाते हैं, तो उनके शोज वगैरह लगाकर भी जो है मतलब उन लोगों को इकट्ठा करके लोगों को बताया जा सकता है, मजिशियंस को यहाँ पर यूज किया जा सकता है। इसके अलावा अग्रेसिव कम्युनिकेशन कंपेन्स की बात करें कि जो कि यहाँ पर विलेज हेड पर्सन के द्वारा की जानी चाहिए, तो यहाँ पर जो भी सरपंच है ओके विलेज का, तो उसको यहाँ पर जिम्मेदारी दे रही है कि वो भी यहाँ पर कम्युनिकेशन कैंपेन चलाए, लोगों को जागरूक करें कि वैक्सीन लगवाए। और दूसरा यहाँ पर आशा वर्कर्स की बात करें, एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जो कि यहाँ पर बैकबोन मानी जाती है भारत के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की, आशा वर्कर्स, तो इनको भी यहाँ पर जिम्मेदारी यहाँ पर उनको बढ़ानी होगी कि वो भी कैंपेन बनाए। तो आशा वर्कर्स देखो, हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ आशा वर्कर्स आपको मिल जाएंगी, जिनको पर्टिकुलर कुछ एरिया कुछ रीजन दिया होता है कि जो भी बंदा उस पर्टिकुलर रीजन से आ रहा है तो उसको आप पर्टिकुलर ट्रीट करोगे, खास तौर पे अगर प्रेगनेंसी के यहाँ पर केसेस हो तो उस केस में यहाँ पर पूरी हेल्प मिलती है। और इसके अलावा भी जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा आई जाती आती है नहीं, तो उसके बारे में भी ये अपने रीजन में बता देती है जाकर। तो
तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पिछले साल की अगर बात करें तो बहुत सारी आशा वर्कर्स ढोलक के साथ बाहर निकली थी, ढोलक जो होता है तो उसको बजा रही थी, साथ में गाने जो वगैरह थे उनको गा रही थी, साथ में अवेयरनेस फैला रही थी कि बहुत सारे विलेजेस में कि ये COVID-19 के चलते परहेज करके चलिए, बचाव करके चलिए। तो अभी फर्स्ट वेव की बात करें 2020 की, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन वेंट फ्रॉम डोर टू डोर टू स्प्रेड अवेयरनेस, मतलब दरवाजे तक दरवाजे लोग गए हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो अभी इस समय यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जब ये सेकेंड वेव चल रही है। तो अभी ये बात कही जा रही है अमरीश कुमार, जो कि यहाँ पर काबुलपुर विलेज से हैं, यूपी यूपी के बाराबंकी जिले से। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन जो है ना, अभी बात की जा रही है कि विलेज के सिर्फ 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही अभी जो है वैक्सीनेशन हो रही है। तो यहाँ पर कोई भी अभी फर्स्ट डोज लगवाने अभी नहीं आया है। ओके, तो 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर वैक्सीनेशन हो रही है लेकिन डोज लगवाने कोई भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर बात करें, इफ आई टॉक टू देम अबाउट वैक्सीनेशन, दे से इट्स नो यूज, मैनी गॉट पॉजिटिव इवन आफ्टर वैक्सीन, पीपल आर डाइंग विदाउट ट्रीटमेंट। मतलब देखो, जब ये कहते हैं कि वैक्सीनेशन आप करवाइए जाकर, तो लोग क्या कहते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो वैक्सीन लेने के बाद भी जो है पॉजिटिव हो गए, तो हम वैक्सीन क्यों लगवाएं अगर फायदा ही नहीं है। तो लोग यहाँ पर अभी भी मर रहे हैं चाहे वैक्सीन लग भी गई किसी को। तो यहाँ पर इसके चलते ये स्टेटमेंट दी जा रही है लोगों के द्वारा। ये यूपी के बाराबंकी जिले की बात कर रहे हैं, तो वहां का एक काबुलपुर गांव है उसकी बात की जा रही है। इसके अलावा बात करें, ऑथर खुद बात कर रहे हैं कि अभी पिछले यहाँ पर दिन की बात है कि उनके अंकल वो चले गए। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ उनके द्वारा यहाँ पर बात की जा रही है कि पुणे बेस्ड यहाँ पर शमशेर खान है, जो कि यहाँ पर बिलोंग करते हैं मालहानी विलेज यूपी में से ही, यूपी के जौनपुर जिले में से। तो यहाँ पर बात करें, बिकॉज पीपल डोंट हैव द नॉलेज, दे आर नॉट गोइंग टू डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स, दे रश ओनली वेन द सिचुएशन इज क्रिटिकल एंड देन दे गेट नाइदर बेड नॉर ऑक्सीजन। तो ये सिचुएशन बन रही है। ओके, तो ये बात यहाँ पर जो कही जा रही है, शमशेर खान के द्वारा कह रहे हैं कि लोगों को मतलब पता नहीं है, जानकारी नहीं है कि क्या हो रहा है। और मतलब जिस तरीके की अभी सिचुएशन बन चुकी है, तो अभी जौनपुर जिले की यहाँ पर बात करें यूपी की, कि वैक्सीन लगवा नहीं रहे हैं। ओके, तो जब यहाँ पर सिचुएशन खराब हो जाती है, सांस नहीं आ रहा होता, तो फिर यहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है हॉस्पिटल्स में। ओके, तो फिर बाद में ना तो उनको बेड मिलता है, ना ही उनको कोई ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है। ओके, और आगे यहाँ पर एमपी के भीड़ जिले की बात करें, तो वहां पर दीपक शर्मा की यहाँ पर बात कही जा रही है कि जो लोग हैं ना, उन्होंने अस्पतालों के ऊपर विश्वास करना ही छोड़ दिया। तो अभी रूमर्स जो है पीक के ऊपर चल रहे हैं, अफवाहें जो है ना, अफवाहें पीक के ऊपर चल रही है। तो कोई भी यहाँ पर रेडी नहीं है कि वैक्सीन लगवाए। और इसके अलावा बात करें, चिल्ला गुहानी विलेज है, ये भी यूपी के इलाहाबाद जिले में पड़ता है। तो यहाँ पर जो CHC है, ओके, तो यहाँ पर जो हेल्थ सेंटर बनाए हुए हैं, तो जो कि यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर जसरा, ओके, जसरा एक जगह है, तो हैज द फैसिलिटी टू वैक्सीनेट 200 पीपल ए डे। ओके, तो यहाँ पर 200 लोगों को एक दिन में वैक्सीनेट किया जा सकता है, लेकिन फिर भी वहां पर कोई नहीं जा रहा है वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। तो अभी आगे यहाँ पर बात की जा रही है कि अभी कुछ बार ऐसा लगता है, जो यहाँ पर रीजन दिए जाते हैं ना हेजिटेंसी के लिए, कि मतलब क्यों नहीं लगवानी, तो वो भी बहुत विचित्र होते हैं। मतलब ऐसे होते हैं, अजीब से होते हैं, मतलब जो सुनकर आपको हंसी आ जाएगी। तो अभी आपको सुनकर हंसी आएगी भी। तभी बात कर रहे हैं कि मेरे विलेज में यहाँ पर एक रूमर है कि COVID-19 ना वो मतलब कुछ नहीं कर सकती यहाँ पर। ओके, क्यों? क्योंकि हम लोगों को पसीना बहुत आता है। ओके, तो ये यहाँ पर जो ना ये मैसेज जो है ये बताया गया है बाय अर्पित श्रीवास्तव और कथकिरा विलेज इन यूपी इटावा डिस्ट्रिक्ट। तो ये तो सिचुएशन है, देखो लोगों की सोच अभी भी क्या है कि वैक्सीन उस COVID-19 कुछ नहीं कर सकता हमारा, क्योंकि हमें पसीना बहुत आता है, तो वो पसीने से ही बाहर निकल जाएगा। तो ये सिचुएशन आप देखो, मतलब समझ ही नहीं है। तो फिर जब ऐसा लेवल होगा तो फिर कैसे कंट्रोल पाएंगे? तो ये सिचुएशन यहाँ पर ये बनी हुई है। तो लोग कह रहे हैं कि हमने कन्विंस किया, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जाकर वैक्सीन नहीं लगवा रहा है। ओके, तो ये तीसरे एडिटोरियल का पूरा निचोड़ था जो मैंने आपके सामने यहाँ पर डिस्कस किया है। ओके, तो अभी सबकी ड्यूटी बनती है अवेयर करवाना। ओके, तो अभी हेजिटेंसी का कोई भी मतलब रोल नहीं रह गया है, क्योंकि बहुत अर्जेंसी अभी हो चुकी है वैक्सीन लगवाने की। तो वैसे तो सप्लाई नहीं आ रही है, जो सप्लाई अगर जहां पर पहुंच रही है, आ रही है, तो वैक्सीन लगवाएं जरूर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अभी हम बात करने जा रहे हैं रेमिटेंस के बारे में। तो रेमिटेंस क्या होता है? जो भी बाहर से पैसा आता है, मतलब कि अगर कहें कि भारत के रहने वाले लोग हैं जो जाके UAE में बस गए हैं, ओके, इसके अलावा USA, कनाडा में चले गए, ऑस्ट्रेलिया में चले गए, तो वहां से वो जो पैसे भेजते हैं, ओके, तो अभी ऐसे जो पैसे आते हैं इसको हम रेमिटेंस बोलते हैं, जो बाहर के देशों से भारत में पहुंचता है। तो पूरी दुनिया में भारत ही पहले नंबर पर रहा है।
तो अभी भी भारत ही यहाँ पर आगे है। तो अभी बात करें कि इंडिया जो है लार्जेस्ट रेसिपेंट रहा है रेमिटेंस का, अगर हम 2008 से बात करें, 2008 से लेके अब तक की बात करें, तो पिछले साल भी जो है यहाँ पर 83 बिलियन US डॉलर का इतना पैसा भारत में आया था। 38% ये ज्यादा है किससे, जो चाइना है जो दूसरे नंबर पे है, चाइना से यहाँ पर 38% ज्यादा पैसा भारत में पहुंचा है बाहर के देशों से। और इसमें से सबसे जो टॉप पे है वो UAE, जहां से भारत को पैसा आता है। तो UAE में तकरीबन 30-35 लाख की आबादी, लाख की आबादी जो है भारतीयों की है, और 20-22 लाख के आसपास की आबादी पाकिस्तानियों की है, और 10 से 12 लाख की आबादी जो है यूएई के यहाँ पर जो नेटिव सिटीजन है उनकी है। ओके, तो नेटिव सिटीजन की आबादी इतनी कम है, इसीलिए यहाँ पर वहां पर जो ना सिटीजनशिप नहीं दी जाती। ओके, चाहे आप सारी जिंदगी वहां पर लगा दो फिर भी सिटीजनशिप वहां पर नहीं मिलती है। ओके, यूएई यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की हम बात कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो अभी पहले नंबर पर इंडिया है, तो दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर मैक्सिको है, चौथे नंबर पर फिलीपींस, फिर इजिप्ट, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, वियतनाम, यूक्रेन। ओके, तो देखो पाकिस्तान के भी 20-22 लाख यूएई में लोग काम करते हैं, तो वहां से इनको भी अच्छा खासा रेमिटेंस आ ही जाता है। हर जगह जो है ना, जहां जहां पर इंडिया से, वहां वहां पर आपको पाकिस्तानी भी नजर आएंगे। और आगे यहाँ पर देखो जीडीपी के हिसाब से कंपेरिजन किया गया है, मतलब टोंगा एक देश है यहाँ पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, तो उसकी यहाँ पर जीडीपी का ये 37.7% बनता है जितनी राशि भारत को रेमिटेंस के रूप में आ रही है। ओके, तो ये देखो कितना बड़ा हिस्सा है जीडीपी का टोंगो के। इसके बाद लेबनान की बात करें तो यहाँ पर चाइना के साथ कंपेरिजन, तो ये सारे कंपेरिजन है अलग अलग यहाँ पर जो देशों की अर्थव्यवस्था है उसके हिसाब से। तो बांग्लादेश के पास भी देखो 21.7% रेमिटेंस आ रहा है, जो कि नेपाल की यहाँ पर 23.5% जीडीपी के हिसाब से इतना पैसा बनता है। तो आप सिनेरियो समझे कितना ज्यादा पैसा यहाँ पर भारत में आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 4 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं व्हाट्सएप प्राइवेसी, हिडन इज नॉट प्राइवेट। तो यहाँ पर अगर किसी चीज को छुपा लिया जाता है तो हम उसको प्राइवेट नहीं कह सकते। तो ये व्हाट्सएप पॉलिसी के बारे में ये आर्टिकल है, जो कि 15 मई को यहाँ पर लागू होगी नई पॉलिसी। तो इसमें एक्चुअली है क्या, पहले ये 8 फरवरी को लागू होनी थी, तो उसमें ऐसा था कि एक नई पॉलिसी व्हाट्सएप लेकर आया था, जिसमें ऐसा था कि जो भी कंटेंट यूजर यूज कर रहा है व्हाट्सएप पे, जो भी बातचीत हो रही है किसी दो बंदों के बीच में, तो वो हमारी वो प्राइवेट बातें हैं। ओके, तो हमारी प्राइवेसी है कि मतलब जिसको कोई तीसरा बंदा नहीं देख सकता है। लेकिन यहाँ पर व्हाट्सएप कहता है कि जो ये कन्वर्सेशन है, जो भी पिक्स वगैरह आपके द्वारा डाली गई है, जो भी स्टोरी डाली गई है, उसको आगे जो है फेसबुक के साथ यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ लिंक कर दिया जाएगा। ओके, तो फेसबुक जो है वो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है व्हाट्सएप की। इसके अलावा इंस्टाग्राम भी है, वो भी यहाँ पर फेसबुक की ही है। ओके, तो जो थर्ड पार्टी जितनी भी एप्स होंगी ना, जितने भी इनके सॉफ्टवेयर होंगे, वहां पर जो है व्हाट्सएप वाला जो भी मैसेजेस, जो भी डाटा होगा, उसको आगे शेयर कर दिया जाएगा। ओके, तो इससे यहाँ पर प्राइवेसी हनन होने का यहाँ पर सवाल उठता है कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो दो बंदों के बीच में ही गोपनीय होती हैं, जो तीसरे बंदे तक नहीं पहुंचनी चाहिए, तो उसको भी आप पहुंचा दोगे। बहुत सारी पिक्स ऐसी होती हैं जो यहाँ पर किसी प्राइवेसी के रिगार्डिंग दो बंदों के बीच में होती, तो उसको भी आगे आप शेयर कर दोगे। तो उस समय 8 फरवरी को जब ये लेकर आए थे पॉलिसी, तो उस समय इन्होंने कहा था कि जो ये नहीं मानेगा पॉलिसी तो उसका व्हाट्सएप अकाउंट रद्द हो जाएगा। ओके, तो फिर बाद में जब लोगों ने व्हाट्सएप को छोड़कर दूसरे ऐप्स की ओर रुझान जब दिखाना शुरू किया, तो एक और यहाँ पर ऐप है सिग्नल ऐप, ये जो है एलॉन मस्क की कंपनी है सिग्नल। ओके, तो ये भी यहाँ पर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ही है, तो लोगों ने उधर रुझान करना शुरू किया, तब जाकर फिर व्हाट्सएप को थोड़ा लगा कि मुझे अभी डिले कर देना चाहिए, तब उन्होंने यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया। ओके, तो अभी ये क्या कह रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं कि अभी 15 मई को जब दोबारा से नई पॉलिसी आएगी, तो किसी का अकाउंट डिलीट नहीं होगा, व्हाट्सएप का अकाउंट डिलीट नहीं होगा, चाहे वो व्हाट्सएप पॉलिसी को स्वीकार करते हैं चाहे अस्वीकार करते हैं। जब अगर अस्वीकार करते हैं तो व्हाट्सएप का अकाउंट डिलीट नहीं होगा, व्हाट्सएप उनका चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर इसी चीजों के रिगार्डिंग ने काफी क्वेश्चन मार्क उठाए हैं ऑथर ने, तो बात कर रहे हैं कि अभी जो विजन है डाटा प्राइवेसी का, तो सब जगह यहाँ पर इसकी बातें हो रही हैं। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, तो यहाँ पर वॉल गार्डन के तहत उनका नाम यहाँ पर रखा जा रहा है, कि बहुत सारे बगीचे ऐसे हैं कि जो यहाँ पर इंडिविजुअल प्राइवेसी जो है, ठीक है, मतलब उसके चलते मतलब क्वेश्चन मार्क उनके सामने आ चुका है। तो अभी दूसरी ओर जो फेसबुक अगर और यहाँ पर व्हाट्सएप की बात करें, ओके, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मतलब अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को, मतलब जो प्राइवेसी है उसको किसी ना किसी तरीके से हम डिफेंड करें, किसी भी कॉस्ट पर जो है डिफेंड करें।
मतलब जो हमने बात कह दी है वो बिल्कुल सही है, और मतलब आप इसका गलत मतलब जो है वो मत निकाले। तो ये यहाँ पर बात की जा रही है फेसबुक और व्हाट्सएप की तरफ से कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जो पॉलिसी है जो यहाँ पर प्राइवेसी है उसको डिफेंड करें। तो यहाँ पर बात करें एंड टू एंड एनक्रिप्शन की। तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन क्या होता है, जब भी आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हो तो वीडियो कॉल करते हो तो जब सामने यहाँ पर एक लाइन लिखी आती है वहां पर लिखा होता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन। इसका मतलब ये है कि आप और जो दूसरा बंदा जिसको आपने कॉल किया बस उन दोनों के बीच में ही बातचीत हो रही है, तीसरा जो थर्ड पार्टी कोई भी जो है आपको नहीं सुन पा रहा है, तीसरा कोई भी मीडिएटर बीच में नहीं है, सिर्फ आप दोनों के बीच में ही गोपनीयता है, आप दोनों के बीच में ही प्राइवेसी है, कि उसको कहते हैं एंड टू एंड प्राइवेसी। तो ये क्लेम किया जाता है व्हाट्सएप के द्वारा कि हमारी कमिटमेंट है जो जो डाटा प्राइवेसी उसके रिगार्डिंग। तो इसको ऑथर कह रहे हैं कि ये सिर्फ दिखावा लग रहा है। तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई यहाँ पर ऐसे धारणा हो ना, जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर आप मेंबरशिप लीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो बिल्कुल इसी तरीके से ये जो बातें कह रहे हैं ना एंड टू एंड इंक्रिप्शन के बारे में, तो ये भी दिखावा लग रहा है। एक्चुअल में ये क्या करेंगे, क्या यहाँ पर इनकी पॉलिसी होगी इसके बारे में अभी क्वेश्चन मार्क है। तो अभी वही बात कर रहे हैं कि एक एविडेंट के तौर पर ये बात कर रहे हैं कि फेसबुक की अभी जो रिसेंट अनाउंसमेंट आई है कि वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी अकाउंट्स को, व्हाट्सएप यूजर्स के अकाउंट्स को वो डिलीट नहीं करेंगे, रिमूव नहीं करेंगे अगर वो नई प्राइवेसी पॉलिसी की टर्म्स को एक्सेप्ट नहीं करते। तो इससे भी ये इनको शक जो है ना वो नजर आता है कि मतलब कि पहले ये कह रहे थे कि रिमूव कर देंगे, अभी ये कह रहे हैं कि रिमूव नहीं करेंगे, जिसके चलते यहाँ पर ना क्वेश्चन मार्क बनना शुरू हो गया यहाँ पर। तो आगे बात करें कि ओरिजिनली इन्होंने 8 फरवरी को प्लान किया था, बाद में अभी 15 फरवरी तक इन्होंने एक्सटेंड कर दिया, अभी 15 फरवरी आ चुकी, कल 15 फरवरी है। तो अभी व्हाट्सएप जो है इसने अभी काफी महीने लगा दिए अभी कि अपनी पोजीशन को क्लैरिफाई करने के लिए कि हमारा जो मैसेज है ठीक है इंटेग्रिटी के ऊपर, कि हम जो है किसी भी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर डाटा शेयरिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर बात करें तो ये चुप रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं बोला है कि ये क्या डाटा शेयर करेंगे, अगर सपोज करो नहीं भी एक्सेप्ट करते हैं पॉलिसी तो क्या इस तरीके के भी कोई यहाँ पर जो है इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करेंगे जिससे हमारा डाटा जो है उसको आगे शेयर कर दिया जाए, ऐसी प्रैक्टिसेस को रोकेंगे ये। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एक डिमांड आई थी, तो यहाँ पर 13 मई की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जवाब मांगा था, एक यहाँ पर पिटीशन डाली गई थी, यहाँ पर चैलेंजिंग पिटीशन डाली गई थी न्यू पॉलिसी के खिलाफ किसी के द्वारा। तो यहाँ पर जवाब मांगा था फेसबुक व्हाट्सएप और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, रिस्पॉन्स मांगा था। तो उसके चलते यहाँ पर बात करें अगर उसके अनुसार भी हम बात करें तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो वैधता है, जो लेजिटिमेसी है फेसबुक की पोजिशन की, तो उसको हम तीन तरीके से देख सकते हैं, तीन सवाल यहाँ पर उठाए हैं। तो पहला यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो व्हाट्सएप है, तो यहाँ पर व्हाट्सएप जो ये पर्सनली आइडेंटिफेबल जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको किस तरीके से कंसिडर करेगा, तो क्या यहाँ पर कंसिडर करेगा उसमें। ओके, तो ये पर्सनली आइडेंटिफेबल इन्फॉर्मेशन जो आपके बारे में है, जिसके चलते आपके बारे में पता चलता है, टेक्निकली ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए जो यूज की जाती है कि कोई इंडिविजुअल कौन है, अगर आपसे कॉन्टेक्ट करना हो तो इस तरीके के लिए यहाँ पर ये जो PII होती है। ओके, तो यहाँ पर ये इंडिविजुअल लेवल पर भी हो सकती है, और यहाँ पर किसी यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ यहाँ पर कुछ और सोर्सेज की अगर बात करें तो उसके हिसाब से भी ये चीज हो सकती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वही है कि जो फ्रेंड नेटवर्क्स हैं तो क्या उनको भी यहाँ पर जो है इंडिविजुअल आइडेंटिटी के तौर पर ही देखा जाएगा। ओके, जो है यहाँ पर ग्रुप्स बने हुए हैं यहाँ पर, क्या क्या वो भी इंडिविजुअल आइडेंटिटी के तौर पर होंगे या फिर अलग अलग, मतलब उनको एज ए ग्रुप माना जाएगा। ओके, तो व्हाट्सएप खोलोगे तो वहां पर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, तो इंडिविजुअली भी होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स भी होते हैं, तो इस तरीके से ब्रॉडकास्ट ग्रुप भी होते हैं। तो अभी इसके रिगार्डिंग वही क्वेश्चन उठाया जा रहा है। तो व्हाट्सएप का जो डेली रिमाइंडर है वो यहाँ पर आता रहता है, अपनी जो प्रेजेंट जो पॉलिसी है उसके बारे में अपडेट वो यहाँ पर सजेस्ट करते रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ज्यादातर यही बात की जा रही है, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू नॉट चेंजिंग द प्राइवेसी ऑफ योर पर्सनल कन्वर्सेशन। मतलब ये बात कही जाती है कि आपकी पर्सनल कन्वर्सेशन में कुछ भी बदलाव जो है हम लेकर नहीं आएंगे, वो जैसे पहली थी वैसे ही रहेगी। और आगे यहाँ पर बात करके जो आर्गुमेंट दिया जाता है व्हाट्सएप की तरफ से, ये एक सरल स्टेटमेंट है। अगर हम डाटा प्राइवेसी की बात करें तो ये बहुत कुछ निकलता है इसके बारे में, अगर हम इसके मीनिंग निकालें तो मैं इसके कवर में बहुत चीजें हैं, सिंपल यूज नहीं है इसका, इसके आगे भी बहुत कुछ है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बात करके अगर कोई कार्ड इशूइंग बैंक है जो आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इशू करता है, तो जो भी आपके स्पेंडिंग रिगार्डिंग जो डाटा होता है कि तो पूरा डाटा यहाँ पर तैयार होता है कि आपने कहाँ पर क्या स्पेंड किया, कितना पैसा निकाला, ओके तो यहाँ पर कितना पैसा जमा करवाया, तो फिर भी आपकी पूरा पूरी पूरी ट्रांजेक्शन की यहाँ पर डाटा रहता है। और भी जो बिहेवियर जो भी आप कलेक्ट करते हो थ्रू आउट द लाइफ, ओके जो भी आपकी रिलेशनशिप बनती है बैंकों के साथ, जिस तरीके से भी आप अपना बिहेवियर रखते हो खर्चने का या पर खरीदने का, तो यहाँ पर अगर कोई रेगुलेटर और मॉनिटर यहाँ पर एक किसी बैंक की बात करें तो यहाँ पर इसको रेगुलेट करता है RBI, और अच्छे से हमारी गतिविधियों को भी मॉनिटर करते हैं।
तो यहाँ पर बैंक जो है ना, कभी भी हमारे डाटा जो है ना, उस डाटा को यूज नहीं करते किसी और बैंक के साथ। अगर मेरा मेरा अकाउंट किसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जितने भी अकाउंट डिटेल्स हैं उनको शेयर कर लिया जाए जो दूसरा बैंक है उसके साथ, जो दूसरा सरकारी बैंक है। अगर मैं सपोज करूँ पंजाब नेशनल बैंक है, वो दूसरा बड़ा सरकारी बैंक है इंडिया का। तो ये यहाँ पर कोई भी मतलब टारगेटेड एडवर्टाइजिंग के लिए कुछ भी कोई भी ऐसा काम नहीं करता है। तो यहाँ पर आगे बात करें कि वन में कैंसिल अ क्रेडिट कार्ड एंड सीक द सर्विसेज ऑफ अनदर बैंक। तो यहाँ पर कोई भी बंदा इंडिविजुअल लेवल पर अपने दम पर जो चाहे कर सकता है। अगर SBI का क्रेडिट कार्ड कैंसिल करके वो चाहे कि मैं पंजाब नेशनल बैंक को वहां से सर्विस लेना चाहता हूँ, तो वो वहां से ले सकता है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जो है ना एग्जिस्ट नहीं कर रही है इस मोनोपोलिस्टिक वर्ल्ड में। क्योंकि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें तो व्हाट्सएप की ही मोनोपोली चल रही है, व्हाट्सएप अकेला ही बचा है। तो यहाँ पर जब व्हाट्सएप आया था नया नया, तो उस समय बहुत सारी एप्स और भी आई थी, जैसे यहाँ पर वी करके था, एक लाइन करके था। लेकिन ये धीरे धीरे चली गई। तो व्हाट्सएप की ही यहाँ पर डोमिनेंस रह गया, तो व्हाट्सएप का ही ज्यादा लोगों ने यूज किया। जो वी चैट है वो चाइना की है, चाइना में वापस उनका प्लेटफॉर्म वहां पर बन गया। तो इसीलिए इसीलिए यहाँ पर बात कर रहे हैं कि व्हाट्सएप जैसे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर मोनोपोली है सिर्फ व्हाट्सएप की। यहाँ पर जो भी बाकी लोग हैं, वन मस्ट आइदर अलाउ वेरियस पर्सनल एंड ग्रुप एट्रीब्यूट टू यूज इन अननोन वेज और क्विट द प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर। मतलब इस तरीके का सिचुएशन यहाँ पर बनना चाहिए, अलाउ करना चाहिए कि मतलब एक से ज्यादा यहाँ पर ना कोई प्लेटफॉर्म आपके सामने हो। तो एट्रीब्यूट आपके सामने हो तो उसको आप अपने हिसाब से यूज कर सको। जहाँ अगर क्विट करना है तो क्विट कर सको, और जिस भी तरीके से आप चाहो उसको यूज करना। यहाँ पर आगे बात करें विच बिगिंस क्वेश्चन टू, जिससे यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की शुरुआत होती है, हाउ शुड वन इंटरप्रेट परमिशन बेस्ड असेस। तो यहाँ कहने का मतलब, अगर हमने कोई परमिशन दे दी है, जैसे आप कोई व्हाट्सएप चलाते हो तो वहां पर लिखा आता है पूरा, कोई भी नया ऐप इंस्टॉल करते हो तो पूरा लिखा आता है कि अलाउ कीजिए, कि आप जो है हमें अलाउ कर रहे हैं आपकी जो है स्नैप्स उसको यूज करने के लिए, या फिर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग उसको यूज करने के लिए। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि उसको आप कैसे इंटरप्रेट करोगे, जब परमिशन बेस्ड आप असेस करोगे कैसे इंटरप्रेट करोगे, यही क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर बहुत एक्सप्लिसिट, अगर हम इन्फॉर्म कंसेंट की हम बात करें, दोनों की अगर हम बात करें, जो बाहर से आया चाहे जो हमारा यहाँ पर जो भी कंसेंट है उसके रिगार्डिंग अगर बात करें, सो बट वन कैन कैनॉट बी प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड व्हेन फेसबुक इटसेल्फ पर्पसफुली वेग्स अबाउट द व्हिच व्हाट डाटा इट हैज टू असेस टू। मतलब कि इसके बारे में अभी किसी को प्रॉपरली पता नहीं, क्योंकि फेसबुक को खुद को पता नहीं है अस्पष्ट है अपने इस मुद्दे के ऊपर कि वो जो डाटा लेगा उसका इस्तेमाल आगे कहां पर करेगा। तो किस जगह पर जो है प्रिडिक्टिव पावर कहां पर है जहां पर ये डाटा इनेबल होगा। तो यहां पर ये क्वेश्चन यही है कि डाटा का यूज कहां पर होगा, कैसे यूज किया जाएगा, क्वेश्चन मार्क हमेशा यही। तो भारत सरकार को भी कहा जाता है हमेशा कि जो डाटा है भारतीयों का उसको भारत की टेरिटरी में रखा जाए तो ज्यादा सेफ है। अब जो भी आप व्हाट्सएप के ऊपर चलाते हो ना, या फेसबुक के ऊपर चलाते हो, या इंस्टाग्राम के ऊपर चलाते हो, तो कोई भी डाटा जो है ये भारत में सेव नहीं हो रहा है, ये सीधे सीधे यहाँ पर US में सेव हो रहा है। तो ये मतलब डाटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके बारे में, आप क्या करते हो, आपको क्या चीजें पसंद है, इसी के हिसाब से ना आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर भी चीजें आनी शुरू हो जाती है। अगर आप कोई भी चीज एक बार सर्च कर देते हो तो उस चीज की एडवर्टीजमेंट आपके सामने आती रहती है। क्यों? क्योंकि आपके बारे में सारा डाटा जो है ना इन यहाँ पर जो मल्टीनेशनल कंपनीज है US की, उनके पास है। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो अभी व्हाट्सएप की एक दया भावना वाली यहाँ पर मीनिंगलेस एक्सप्लेनेशन है, तो जिसमें यहाँ पर दयालु वर्ड की यहाँ पर जो है बात की जा रही है। यहाँ पर बात करें कि मर्सीफुल बिकॉज इट इज नॉट एन अनरीडेबल लीगल थीसिस। यहाँ पर कोई अनरीडेबल लीगल थीसिस नहीं है जो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आसानी से सब कुछ पता है, लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी बातें इनके द्वारा की जा रही है क्योंकि तो दया भावना के रूप के तहत, तो ये मीनिंगलेस है क्योंकि ये खुद यहाँ पर अस्पष्ट है बहुत बहुत ही कारणों जैसे, मतलब बहुत ही रास्तों से अगर हिसाब से बात करें तो खुद ये अस्पष्ट है। तो ये क्या कर रहे हैं कि मतलब कि छिपा ज्यादा रहे और रिवील कम कर रहे हैं, मतलब प्राइवेसी के रिगार्डिंग भी क्या इनका कंसर्न है इसको पूरी अच्छी से डिटेलिंग में नहीं बता रही है। तो इसी के लिए यहाँ पर ऑथर बात करें कि मतलब जो है ना प्राइवेसी को जरा सिफारिश के रिगार्डिंग जो जानकारी होनी चाहिए नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि अगर 15 मई की बात करें उसके बाद क्या होगा इसके बारे में भी अनक्लियर है कि ये क्या करेंगे। ये जो PII है, तो ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आइडेंटिफाइबल जो इन्फॉर्मेशन है, तो क्या उसको कंटिन्यू यूज करेगा व्हाट्सएप। अगर सपोज करो कोई बंदा यहाँ पर नए रूल्स नई पॉलिसी को नहीं भी मानता, तो क्या फिर व्हाट्सएप आगे जो है उनकी जो जानकारी है उसको आगे शेयर कर देगा फेसबुक के साथ। तो यह भी इसी के रिगार्डिंग वही क्वेश्चन मार्क है। और आगे यहाँ पर बात करें कि क्या जो ये प्राइवेसी का इशू है
तो क्या यहाँ पर इसको सेपरेट किया जा सकता है फ्रॉम दैट ऑफ कॉम्पिटिशन? ओके, तो यहाँ पर अगर फेसबुक की बात करें, फेसबुक के कंटेंशन की बात करें, तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना, तो वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता जहां पर बात आ जाती है प्राइवेसी पॉलिसी की, मतलब क्या इम्पैक्ट होगा इसका आने वाले समय में। तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम ये है कि कोई भी एंटी ट्रस्ट एक्टिविटीज ना करे मार्केट में। अगर देखो एक ग्रुप पहले से एस्टेब्लिश हो चुका किसी फील्ड में और दूसरा कोई नया चेहरा आना चाह रहा है, अपनी आप को एस्टेब्लिश करना चाह रहा है, तो पहले वाला जो बड़ा चेहरा है ना, वो ऐसी एक्टिविटीज ना करे जिसके चलते नए वाले को नुकसान होना शुरू हो जाए। जैसे यहाँ पर कोई मार्केट पहली जिसकी बन गई है, तो वो क्या करेगा कि बहुत ही सस्ते दामों पर अपनी चीजें निकालनी शुरू कर देगा, और जिसके चलते जो नया बंदा जो ग्रो कर रहा है, नई कंपनी ग्रो कर रही है, तो उसका फिर माल बिकेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी शुरुआती इन्वेस्टमेंट है, शुरुआत में उसने अपना खर्चा पूरा करना है, अपनी मार्केट बनानी, धीरे धीरे वो चलेगा। तो ऐसी होती है एंटी ट्रस्ट एक्टिविटी, जिसके चलते कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है। इसको कब बनाया गया था, इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में, और कौन से मंत्रालय के तहत ये काम करता है, इसका भी आंसर करें। तो अभी इसका कोई बिजनेस नहीं है कि मतलब क्या इम्पैक्ट होगा प्राइवेसी पॉलिसी के साथ। ओके, तो यहाँ पर सेपरेट नहीं किया जा सकता कॉम्पिटिशन के साथ। ओके, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं जो प्राइवेसी वायोलेशन है। जो प्राइवेसी वायोलेशन है, तो यहाँ पर एक इररिवर्सिबल डिस्क्लोजर जो है, जो हमारी पी या ये जो यहाँ पर पर्सनल आइडेंटिफाइबल जो इन्फॉर्मेशन होगी, तो उसी का ही यहाँ पर जो है ना आगे प्रावधान, वही फ्लो करेगा आगे। क्योंकि उसी के चलते यहाँ पर जो प्राइवेसी वायोलेशन आपको देखने को मिलेंगी, और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर बहुत सारे नेटवर्क्स के ऊपर डाटा जो है हमारा, जो पर्सनल आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन है, वो चली जाएगी। ओके, मतलब देखो बहुत अच्छी खासी पोर्शन यहाँ पर मार्केट का बना हुआ है। ओके, तो वही डाटा अगर लीक होता आगे चला जाता है तो काफी जगह सर्कुलेट करता जाएगा, तो यहाँ पर वायलेशन होती जाएगी। तो एक तरीके से यहाँ पर गोल कैद खाना जो है ना बन जाएगा, आपका जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी उसके रिगार्डिंग वहीं पर वो घूमती रह जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आगे बात करें, अगर फेसबुक की बात करें, व्हाट्सएप की बात करें, तो दोनों को कुल मिलाकर इकट्ठा जो है ना, भारत में 700 मिलियन यूजर्स हैं इनके, तो जिनमें से 500 मिलियन यूनिक यूजर्स हैं। ओके, तो ये यहाँ पर सिचुएशन बनी हुई है। और इसके अलावा आप ये बात कर रहे हैं कि ऐसे सिनेरियो में अगर अजम्पशन ये मानी जाती है कि जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होगी इस बोथ रैशनल एंड वॉलंटरी बेस्ड ऑन अवेयरनेस ऑफ द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ दिस एक्सचेंज, तो आने वाले समय में पता चलेगा कि मतलब क्या इसके काम ऐसा निकलता है, मतलब किस तरीके से क्या कॉस्ट यहाँ पर जो है हमें पे करनी पड़ेगी, जो हमारा इन्फॉर्मेशन जो आगे एक्सचेंज कर दिया जाएगा। ओके, तो ये इसको इजिली यहाँ पर जो है चैलेंज भी कर सकते। तो यहाँ पर ये भी बात करें, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ शेयरिंग इंक्लूड्स अ वाइडर रेंज ऑफ अननोन फ्यूचर ट्रांजेक्शन दैट ब्लर्स द सेपरेशन बिटवीन प्राइवेसी पॉलिसी एंड एंटी ट्रस्ट। यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में पता नहीं किस तरीके से जो है फ्यूचर ट्रांजेक्शन होगी, किस तरीके से मतलब हमारे जो डाटा है उसको ट्रांजेक्शन उसकी की जाएगी एक जगह से दूसरी जगह में, तो यहाँ पर सेपरेशन यहाँ पर जो है ना वो धुंधला हो जाएगा। यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी और एंटी ट्रस्ट दोनों की एक्टिविटीज में पता नहीं चल पाएगा कि एंटी ट्रस्ट एक्टिविटीज क्या हो रही है और प्राइवेसी पॉलिसी के तहत क्या चीजें बताई जा रही, किन किन चीजों को यहाँ पर सपोर्ट की जा रही है, ये सब चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर जर्मनी की बात करें, जर्मनी का यहाँ पर एक फेडरल कार्टेल ऑफिस है, जो केंद्र सरकार है वहां पर, उसकी बात कर रहे हैं जर्मनी की, तो वहां पर उनका जो कंपटीशन रेगुलेटर था जिसका नाम है बन डेस्क आर्टेलामेट, तो यहाँ पर इसका जो नाम है, तो इसने भी यहाँ पर एक केस फाइल किया था फेसबुक के अगेंस्ट 2019 में। तो यहाँ पर कहा गया था कि इन्होंने अपशब्द यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं, तो इनकी जो साइट है फेसबुक के ऊपर अच्छे तरीके से मतलब ये फैल गया ये चीजें। तो इसके बाद जो केस फाइल हुआ तो केस जीता भी गया सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर जो फेसबुक की डाटा पॉलिसी है, ओके, तो यहाँ पर इसमें यही होता है कि कलेक्शन करो, यहाँ पर यूजर डाटा जो है उसको इंटीग्रेट करो, जोड़कर जो है उसको आगे एक्सपेंड करते रहो। तो यहाँ पर अभी ये नॉन फेसबुक एप्लीकेशन जो है ना वहां से ये उठाएंगे और फेसबुक जैसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये चलाना शुरू कर देंगे। तो ओके, तो इस तरीके का ये सिचुएशन अभी बना रहे हैं। तो ये सिचुएशन अभी आने वाले समय में ये भी होगा कि यहाँ जो कंसेंट मतलब जिसका डाटा होगा उसको पता ही नहीं होगा कि आगे जो है वो फेसबुक के ऊपर वो अपलोड हो गया। तो अभी ये सिचुएशन है, होते आने वाले समय में बिल्कुल अनफेयर तरीके से यहाँ पर डोमिनेंस बन जाएगा इसी पूरे सिनेरियो का, पूरे यहाँ पर जो सोशल मीडिया का मार्केट है वहां पर, जिससे मतलब आने वाले समय में यूजर का जो है ना वो नुकसान बड़े पैमाने पर हो सकता है। यही ज्यादातर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और चिंता जताई गई है इस आर्टिकल में ऑथर के द्वारा। तो चलिए अभी बात करते हैं आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो है डंपिंग। डंपिंग क्या चीज होती है? तो देखो, कोई भी चीज का एक्सपोर्ट करना, कोई भी गुड है, कोई प्रोडक्ट है जिसका एक्सपोर्ट करेगा कोई भी देश किसी दूसरे देश में, लेकिन उसका प्राइस जो है ना अपने देश के मुकाबले में कम होगा जिस भी यहाँ पर देश में एक्सपोर्ट किया जा रहा है उस प्रोडक्ट को। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हर कोई देश ये चाहता है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड दूसरे देश में बननी शुरू हो जाए, लेकिन उसका प्राइस अपने देश के मुकाबले में कम रखा होता है। जैसे मैं चाइना के एग्जाम्पल लेता हूँ, चाइना ने शुरुआत में क्या किया था, चाइना
शुरू शुरू में जो भी प्रोडक्ट बनाता था ना, तो उसकी जो क्वालिटी होती थी बहुत खराब होती थी, क्योंकि वो बहुत सस्ता मिलता था, भारत में जो चीज पहुंचती थी। तो वो क्या करता था, अभी भी यार ऐसा ही होता है, मतलब कि बहुत सारा सामान जैसे मोबाइल फोन की बात करूं, बना लिया जाता है, उसको बाद में डंपिंग की जाती है भारत में भी, ओके, बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान में भी, मतलब ऐसा कि जो नॉर्मल प्राइस उनके अपने देश में ना, उससे थोड़ा कम करके यहाँ पर भारत में उसको भेजा जाता है, कि हमारी मार्केट बननी शुरू हो जाए, एक सप्लाई चेन हमारी ना एक नए मार्केट में हमारी जो है वो एक्सपेंड होनी शुरू हो जाए। तो इससे बचने के लिए यहाँ पर अगर मैं इंडिया की बात करूँ क्या कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर अगर न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं कि मतलब कि हमारे यहाँ पर जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर है ना, कहीं उनको डैमेज ना हो जाए, अगर वहाँ चाइना से कुछ सस्ता मोबाइल फोन आ जाता है अच्छी क्वालिटी वाला, तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, एक सरचार्ज लगा देते हैं, ओके, या फिर एंटी डंपिंग, उसको ड्यूटी भी बोलते हैं, जो भी ऐसा इम्पोर्ट होगा उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी, कि मतलब अगर वो भारत में आता भी है तो उसका कॉस्ट फिर यहाँ पर उसी के बराबर हो जाएगा जो यहाँ पर भारत की मैन्युफैक्चरर्स जो जो भी मोबाइल फोन बनाने हैं, उनको बनाने के बाद जो भी खर्चा उनका आ रहा है ना, बिल्कुल उसके बराबर हो जाएगा, ओके, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। कई बार इतनी ज्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी जाती है कि जो बाहर से चीज इम्पोर्ट की होती है वो बहुत महंगा हो जाता है जो हमारा घरेलू उत्पादन होता है उसके मुकाबले में। तो जब कोई भी फेस्टिवल सीजन आमतौर पर आता है तब यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है भारत सरकार की तरफ से। इसका मतलब यही होता है कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस जो भी आइटम्स हैं उनकी सेल ज्यादा हो, वो सस्ती रह जाए जो बाहर से चीजें इम्पोर्ट की गई हैं उसके मुकाबले में। तो कैसा लगा आपको लेक्चर, अपना फीडबैक जरूर दें और शेयर करें इस लेक्चर को, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।